जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस, 12 बज चुका है। जो भी बच्चे ऑनलाइन आ गए तो प्लीज मैसेज कर दीजिए, जिससे कि हम लोग अपना ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट कर सकें। तो आज के इस ऑनलाइन टेस्ट में हम लोग जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने से नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। यदि आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, क्योंकि मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ 1 लाइक की उम्मीद करता हूं। बाकी मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं मांगता हूं, ना आपका टाइम ना आपसे पैसा, सिर्फ और सिर्फ 1 लाइक की उम्मीद करता हूं। तो वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन आज का हमारा रहेगा कि शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? अफगान आक्रमक अहमद शाह अब्दाली, फारसी आक्रमक नादिर शाह, मंगोल आक्रमक चंगेज खान, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फारसी आक्रमक नादिर शाह। अगला क्वेश्चन है गाइस कि कैमरा के प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्नलिखित में से कौन तय करता है? द्वारक अपचर, उद्भाषण का समय, लेंस की फोकस दूरी, कैमरा का आकार। सभी लोग आंसर बताते चलेगा। कैमरा के प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्नलिखित में से कौन तय करता है? द्वारक अपचर, तो ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? क्रोमियम और कार्बन, क्रोमियम कार्बन और आयरन, क्रोमियम और आयरन, कार्बन और आयरन। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्रोमियम कार्बन और आयरन। अगला क्वेश्चन है गाइस कि पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं? प्रकाश संश्लेषण का, वाष्प सृजन का, भंडारण का, चालन का। पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं, वाष्प सृजन का, तो ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए, त्रिपिटक, उपनिषद, अंग, आरक्य। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन जो ए है आपका त्रिपिटक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है कि पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्रेलिंग, डिविकिंग, डविंग, पेकिंग। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ब्रेलिंग, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? श्रीहरिकोटा, त्रिवेंद्रम, ट्रांबे, बेंगलुरु। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, त्रिवेंद्रम। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड के लोलक की काल अवधि है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 0.5 सेकंड, 1.5 सेकंड। सेकेंड के लोलक की काल अवधि है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। सेकेंड के लोलक की काल अवधि है 2 सेकेंड, तो ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे पानी छोड़कर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस एफ पर, 4 डिग्री सेल्सियस सी पर, या फिर 4 डिग्री सेल्सियस एफ पर। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि अमीर को ही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी।
अमीर कोई कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की गाइस। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला, तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की राजकीय भाषा थी उर्दू, फारसी, तुर्की, अरबी। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस कि खरोष्टी लिपि लिखी जाती है बाईं से दाईं ओर, दाईं से बाईं ओर, दोनों ओर, इनमें से कोई नहीं। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। सो गाइस, खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाईं से बाईं ओर। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है कि मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? द्रविड़, नागर, बेसर, इनमें से कोई नहीं। मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? तो मंदिरों की उत्तरी शैली जो है ये नागर के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा प्रारंभ कराया गया था। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है आगरा में, अलीगढ़, इटावा, बाराबंकी। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव ये कहां पर आयोजित किया जाता है? ये आयोजित किया जाता है अलीगढ़ में। तो ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है कि अग्निग्रह किस धर्मावलंबी की पूजा स्थल है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म। अग्निग्रह किस धर्मावलंबी की पूजा का स्थल है? पारसी धर्म। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की गाइस। अगला क्वेश्चन है, मूर्ति कला की गांधार स्कूल शैली निम्न शैलियों में से किसका सम्मिश्रण था? भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का, भारतीय एवं पार्शियन शैलियों का, मूल रूप से शुद्ध भारतीय, भारतीय एवं दक्षिण पूर्व एशियाई शैली का। सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का। अगला क्वेश्चन गाइस है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई जारी करता है। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है कि इसरो किसका संक्षिप्त रूप है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। इसरो किसका संक्षिप्त रूप है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की गाइस। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
गाइस अगला क्वेश्चन है कि धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है। धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है, सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, धुआं और कोहरा। ठीक है, टीका वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था। जेम्स सिम्पसन, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, क्रिस्टियन बर्नार्ड। टीका वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था, सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। एडवर्ड जेनर, ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है कि कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां हैं। कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां हैं, सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। बालू, सल्फर और सोडा। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं। 12, 8, 11, 9। हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं। 11 मूल कर्तव्य हैं, तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गैस अगला क्वेश्चन है कि लोहे की रैली के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम सल्फेट, सोल्डर, एल्यूमिनियम पाउडर, इनमें से कोई नहीं, सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सोल्डर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है गाइस, कि वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है। आर्द्रता के रूप में, बिंदुकों के रूप में, धूम कोहरा के रूप में, ये सभी। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है आर्द्रता के रूप में, ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव है। पशुओं का अपशिष्ट, संस अपशेष, जलीय पादप, वन अपशेष। बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव है पशुओं का अवशिष्ट, तो ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है न्याय का, मातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का, वयस्क मताधिकार का। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वयस्क मताधिकार का। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है। राज्यसभा, लोकसभा, लोकसभा भी और राज्यसभा भी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं, ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा। अगला क्वेश्चन है गाइस, संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित हुए। कार्ल मार्क्स, थॉमस हॉब्स, चार्ल्स डार्विन, लियो टॉल्स्टॉय। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित हुए, सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लियो टॉलस्टॉय। ठीक है, अगला क्वेश्चन गाइस देखिए क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं क्रांति, आम हड़ताल, तोड़फोड़, समझना और प्रचार करना। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं, सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। समझाना और प्रचार करना, ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है, असम राज्य में काम कर रही तेल प्रसंस्करण शालाओं, रिफाइनरियों की संख्या है 1, 2, 3, 4, सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन है गाइस कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति। वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, वित्त मंत्री के द्वारा, तो ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी। 1998, 1996, 1999, सन 2000। अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी, सन 2000। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस कि किस देश के
अनुकूल व्यापार शेष का आशय है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? दक्कन, मालवा, तेलंगाना, छोटा नागपुर। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग छोटा नागपुर पठार में स्थित है। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा, स्तूप पूजा। सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देवी देवताओं की पूजा। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कनिष्क। अगला क्वेश्चन है गाइस कि भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा गया था वह थी, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह थी ब्रह्मा की, विष्णु की, बुद्ध की, शिव की। बुद्ध की। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, आजीविकों ने, वैदिक धर्म ने। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है? अभय, ध्यान, धर्मचक्र, भूमि स्पर्श। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, धर्मचक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल। ऑप्शन बी जो है आपका कुषाण काल। यदि आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो तुरंत ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है? मौर्य काल से, शुंग काल से, कुषाण काल से, गुप्त काल से। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुप्त काल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की ओर किस अन्य नाम से जानते हैं? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। पदम पाणि। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? अशंग, अश्वघोष, बसुमित्र, नागार्जुन। सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन, नागसेन, आनंद, अश्वघोष। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर नहीं किया तो शेयर करें, क्योंकि मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक लाइक की उम्मीद करता हूं, बाकी मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं मांगता हूं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ऑप्शन जो ए है आपका नागार्जुन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।